दिव्या अग्रवाल अपूर्वा पंडगांवकर की शादी हो चुकी है। 20 फरवरी को दिव्या ने बिजनेसमैन अपूर्वा के साथ शादी रचा ली। बहुत टाइम से दोनों रिश्ते में थे और अपनी शादी को लेकर खबरों में बने हुए थे। दिव्या अग्रवाल ने बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी शादी रचाई, लेकिन शादी के जो वीडियो सामने आए उसे देखने के बाद लोगों ने दिव्या और उनके हस्बैंड अपूर्वा पंडगांवकर को बहुत बुरी तरह से ट्रोल भी किया। दरअसल शादी के जो वीडियो सामने आए उसमें उनके ड्रेसेस से लेकर रस्मों तक में जो सादगी देखने को मिली, जो मजाक देखने को मिला, उसके बाद लोग दिव्या और अपूर्वा से काफी भड़के हुए नजर आए। शादी की कई वीडियोस को दिव्या अग्रवाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर भी किया है। हाल ही में दिव्या अग्रवाल ने शादी के बाद के कई डांस वीडियोस को शेयर किया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसी के साथ दिव्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और वीडियो शेयर किया है। बताया जा रहा है ये वीडियो शादी से पहले का है, लेकिन दिव्या अग्रवाल जिस तरीके से अपूर्वा के साथ इस वीडियो में डांस करती नजर आई हैं, उनका ये अंदाज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोगों ने दिव्या अग्रवाल को नौटंकी तक बता दिया है। लोगों का मानना है कि अगर शादी करनी ही थी तो कोर्ट मैरिज कर लेते, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी। दिव्या की शादी को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट था, लेकिन दिव्या ने सबका दिल तोड़ दिया, क्योंकि शादी की रस्मों में ना तो दिव्या का कहीं दुल्हन जैसा अवतार नजर आया और ना ही अपूर्वा कहीं दूल्हे जैसे लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मजाक चल रहा हो, किसी सीरियल की शूटिंग चल रही हो, जिसको लेकर दिव्या को काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी। बात करें इस वीडियो के बारे में तो आप देख सकते हैं कि टेबल पर आगे केक रखा है और दिव्या अपूर्वा के साथ जिस तरीके से डांस कर रही हैं, लोगों को उनका यह अंदाज भी बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लोगों का मानना है कि दिव्या ने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है, ये शादी भी किसी तरह से नहीं लगती है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।